घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में बनाया गया, और इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा में निम्न आचरणों को, निम्न कार्यों को सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा में वह सब कार्य आएंगे जो आपके साथ घर में कोई भी व्यक्ति, आपका पति, आपकी सास, आपकी ननद, आपका ससुर, आपका देवर, आपका जेठ, कोई भी हो, उसका कोई कार्य है, कार्य न करना या कार्यकरण या आचरण जिससे आपको चोट पहुंचती हो, शारीरिक या मानसिक, वह घरेलू हिंसा गठित करेगा। यदि वह आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, आपके शरीर के किसी अंग को मानसिक या शारीरिक रूप से अपहानि पहुंचाता हो, चोट पहुंचाता हो, या उसे संकटापन्न करता हो, मतलब संकट में डालता हो, या उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वह आपको इस तरह की किसी चोट में डालने का डर पैदा कर रहा है, तो वह घरेलू हिंसा में शामिल होगा। अगर वह कोई दहेज या अन्य संपत्ति या कोई भी अन्य मूल्यवान प्रतिभूति के लिए, प्रतिभूति मतलब जो है वह चाहता है कि कोई जमीन खरीद ले वह आपके माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से, ऐसी किसी भी मांग के लिए, पूर्ति के लिए आपको या आपसे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करता है, आपको तंग करता है, आपकी अपहानि करता है, चोट पहुंचाता है, संकट में डालता है, तो वह भी घरेलू हिंसा में आएगा। और अगर वह इस तरह से आपको परेशान करके आपसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव रखता है, धमकी ऐसे हो गई ना कि अगर उसने आपको जो है परेशान किया, आपको चोट पहुंचाई, तो आपके माता पिता, भाई बहन परेशान होंगे, वे परेशान होकर उसकी मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर वह ऐसा करता है और आप किसी भी तरह से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से परेशान होती हैं, तो वह घरेलू हिंसा है। आपको कोई भी चोट पहुंचती है, चाहे वह चोट उससे आपका खून बहे ना बहे, आपके शरीर का और कोई नुकसान हो ना हो, लेकिन आपके दिमाग को नुकसान हो रहा है, वह घरेलू हिंसा है। और इस तरह से घरेलू हिंसा वह जो करेगा, वह इस अधिनियम के अंतर्गत आएगा और आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। घरेलू हिंसा में आप महिला के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती हैं, भले ही वह सास हो, ननद हो। ये नहीं है कि महिला जो है केवल पुरुष के खिलाफ करेगी, महिला महिला के खिलाफ भी कर सकती है। और भी ऐसा बहुत कुछ है, मैं आपको सब बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।